छत्तीसगढ़ में एक घटना के बाद लगातार सतनामी समाज के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, ना कि सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी। कौन है ये लोग, क्या है इनका सतनाम धर्म और किसे ये मानते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर मैं स्वाति कौशिक इस वक्त लोकमत के हिंदी स्क्रीन पर हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये जो सतनामी समाज, जिसकी बात आजकल छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे देश में चल रही है, चर्चाओं में है, ये समाज क्या है, किस तरीके से बड़ा हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्या इनके रिचुअल्स हैं, और जिस जैतखाम को तोड़े जाने की बात लगातार कह रहे हैं उसका क्या महत्व है, तमाम चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सतनामी समाज की, तो सतनामी ये जो समाज है, ये संप्रदाय की स्थापना हुई थी 21 अप्रैल को सन 1665 में। नरनौल पंजाब के पास एक ज़िला है पंजाब का, वहाँ पर बीर भान जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके पहले जो इस समाज के गुरु थे वो उधो दास थे, और बताया जाता है कि उधो दास जो थे वो संत रविदास के शिष्य हुआ करते थे। तो ये जो कनेक्शन है सतनामी समाज का, ये पंजाब से निकलकर आ रहा है। जब इस समाज की स्थापना हुई थी, अधिकतर लोग इसमें किसान थे और दस्तकारों को पिछड़ी जाति के लोगों से इसे जोड़कर देखा जाता रहा है। इस संप्रदाय के लोग तीन गुणों पर जोर देते हैं। पहला, सतनामी भक्त की वेशभूषा, जो वेशभूषा है वो सफ़ेद होती है और साधारण सी होती है, तो ये वेशभूषा उनको धारण करनी होती है। दूसरा, उचित तरीके से पैसा कमाना और किसी भी तरीके का अन्याय या अत्याचार ना सहना। सतनाम अपंत के ये जो दो गुण बताए गए हैं कि इनके कपड़े जो हैं वो श्वेत होते हैं, तो उसमें इनको रहना होता है श्वेत यानी सफ़ेद। और दूसरा, उचित तरीके से पैसा कमाना, इनका जो समाज है ये सतनाम समाज जिसको हम कह रहे हैं पंथ है, वो उचित तरीके से पैसे कमाने पर और अन्याय और अत्याचार को ना सहने पर बड़ा जोर देता है। अब हम बात करें कि जैतखाम क्या है। पूरे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का जो ये परिदृश्य हमने देखा वो था जैतखाम को तोड़े जाने के विरोध को लेकर। तो जैतखाम क्या है, बात करें सतनामी समाज के भीतर जैतखाम की मान्यता बहुत है। सतनामी समाज इन्हीं जैतखाम को काटे जाने को लेकर फिलहाल उग्र हुआ था। ये जो समाज है इनके लिए बाकी जो धर्म में विधि विधान से जब हम पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद और मजारों में जाते हैं, सिख धर्म के लोग अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, उसी तरीके से सतनाम समाज के लोग जो हैं वो अपने जैतखम को पूजते हैं। जैतखम एक तरीके का स्तंभ होता है जिसके ऊपर सफ़ेद ध्वजा लहराई जाती है, उसकी काफ़ी मान्यता है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो ये सतनामी समाज है उसके इतिहास की, तो सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, जिनको यहाँ के लोग पूजते हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ में आया। पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जब कुछ हिंसा भड़की तो उनका जो परिवार था वो वहाँ से छत्तीसगढ़ आया और यहाँ पर रहने लगा। तो उनके साथ ही बाबा गुरु घासीदास के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या की, जैसे बाकी जो संत हैं वो तपस्या करते हैं, उसके बाद उन्हें चमत्कारिक जो शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां कह लें, वो प्राप्त होती है। तो उन शक्तियों के बाद उन्होंने समाज को एक दिशा प्रदेश में दिखाना शुरू किया। इनिशियली शुरुआती दिनों में कहा जाता है कि समाज के लोग चमड़े से जुड़े हुआ काम भी करते थे, पर छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे वो रहने लगे, यहाँ की चीज़ों को समझने लगे, मध्य भारत का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर उन्होंने किसानी के काम को अपना पेशा बनाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के जो वंशज हैं उन्हें गुरु की गद्दी जो है नशीन हुई, बाद में गुरु परंपरा जो है वो गुरु दीक्षा के हिसाब से भी जुड़ता गया। तो मिनी माता को यहाँ पर गुरु की पदवी जो है वो इस समाज ने दी, जो सतनामी समाज है उन्होंने दी। सतनामी समाज में मिनी माता को गुरु की उपाधि दी। मिनी माता राजनीति में भी रही, पहली महिला सांसद के रूप में इस क्षेत्र से मिनी माता को देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर मिनी माता के जो पोते हैं गुरु रुद्र कुमार, उन्हें अभी फ़िलहाल गुरु की जो गद्दी है वो नसीन की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज का इतिहास है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पंजाब से बताया जा रहा है। पंजाब से आकर वो छत्तीसगढ़ में बसे लगभग 200-250 साल पहले, 1857 के आसपास
कि अगर हम बात करें तब तक यहाँ पर सतनामी समाज जो है वो आ चुका था और अपनी स्थितियाँ सुधार रहा था। आज की तारीख में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में लगभग बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख इनकी संख्या है और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर हम राजनीतिक चीज़ों की बात करें तो समाज को हर बार एक कैबिनेट स्तर का मंत्री प्रदेश की राजनीति में मिलता रहा है। लगभग 10 विधानसभा में विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो रिजर्व होते हैं इस पर्टिकुलर समाज के लिए। तो वहीं इनका वोट बैंक कितना बड़ा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी ये कौन जीतेगा इसको तय करते आए हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।